मदर्स डे की आपने तमाम कहानियां पढ़ी होंगी। जाना होगा कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये दिन माओं को समर्पित किया गया, कैसे इस दिन को उनके त्याग के लिए यादगार बनाया गया, कैसे इस दिन माओं को सराहा गया और उनके समर्पण को धन्यवाद दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस महिला ने इस दिन की शुरुआत की थी उसने ही इसे खत्म करने की कोशिश भी की। यकीनन उनकी ये कोशिश सफल नहीं रही, लेकिन उनका परिवार और रिश्तेदार ये दिन नहीं मनाते हैं। क्या थी इसकी वजह? क्यों इस दिन की शुरुआत करने वाली ही इसके विरोध में उतर आई? इन तमाम सवालों से रूबरू होते हैं इस रिपोर्ट में। वैसे हर कोई जानता है कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। जानकारी के मुताबिक करीब 110 साल से ये परंपरा चल रही है। इस दिन की शुरुआत एना जाविस ने की थी। उन्होंने ये दिन अपनी मां को समर्पित किया था और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वो उनकी मां की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार मदर्स डे 9 मई को ही पड़ रहा है। दरअसल मदर्स डे की शुरुआत एना जाविस की मां एन रिब्स जाविस करना चाहती थी। उनका मकसद माओं के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत करना था जिस दिन अतुलनीय सेवा के लिए माओं को सम्मानित किया जाए। हालांकि 1905 में एन रिब्स जाविस की मौत हो गई। उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी बेटी एना जाविस ने उठा ली। हालांकि एना ने इस दिन की थीम में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा, इस दिन लोग अपनी मां के त्याग को याद करें और उसकी सराहना करें। लोगों को उनका यह विचार इतना पसंद आया कि इसे हाथों हाथ ले लिया गया और एन रिब्स के निधन के 3 साल बाद यानी 1908 में पहली बार मदर्स डे मनाया गया। उसी दिन को हर साल पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जाने लगा।